हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और एक नए इंटरव्यू में स्वागत है आप। मैं आज उतनी लेट नहीं हूँ जितना मैं लेट होती हूँ। आज लेट ही नहीं हूँ, आज मुझे लेट नहीं कह सकते। विनायक भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए होंगे, उनके लिए कुछ गिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ विनायक हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और विनायक रैंक वन लेके आए हैं। रैंक वन सुनने में कितना अच्छा लगता है, टोटल करो तो वन। तो लाइफ में पहली बार, अब लाइफ में पहली बार, हाँ पहले ही एग्जाम में जो इन्होंने टीचिंग एग्जाम पहला दिया उसी में इनका रैंक वन आया। अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है, NVS नवोदय विद्यालय स्कूल जो होते हैं आपके, वहाँ पे TGT SST के लिए। और अब विनायक पेश होंगे, वो आगे की प्रोसेस है खैर, और पेश होंगे तो ऐसे भूल रहे थे, मतलब कहीं पे मजाक कर रहे हो। तो समझते हैं कि विनायक की जर्नी क्या रही, कैसे इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, फिर इंटरव्यू क्लियर किया, क्योंकि जहां दो राउंड्स हैं और अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है, NVS गिफ्टेड बच्चों के लिए कहा जाता है, तो वैसे भी चाह रहे हैं कि टीचर्स भी गिफ्टेड ही आ जाएं, और विनायक भी हमारे सामने गिफ्टेड ही बैठे हैं। इनसे मेरी इतनी सारी बातें हुई और ये कंक्लूड किया जा सकता है। तो मैम की बहुत हम्बलनेस है कि खुद इतनी बड़ी गिफ्टेड होके मेरे को कह रही हैं, बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल। और तो आपका गिफ्ट है इतने सारे बच्चों को। विनायक से बात हुई, अच्छा लगा। और विनायक आज शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस कि कैसे इन्होंने अपना जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर किया, जो जनरल पार्ट है वो प्रिपेयर किया, पेडागोजी है उसको प्रिपेयर किया। उससे पहले सीटेट से विनायक जुड़े हुए थे साथ में, मतलब मुझे तो नहीं पता था, ये इनसे बात करने के बाद ही पता लगा सीधा। और क्या जर्नी रही उसके बाद इंटरव्यू के लिए, इनका इंटरव्यू भी यूनिक रहा, तो उसमें क्या चीज़ें रहीं बताएंगे विनायक। स्टार्ट करते हैं विनायक आपका, आप अपनी क्वालिफिकेशंस और किस ईयर में आपका बीएड कंप्लीट हुआ वो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। एक्चुअली मैंने पहले सोचा नहीं था कभी कि मैं टीचिंग में आऊँगा, बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा, मेरी मदर अभी टीचर है, मेरी जो नानी मम्मी है थी, मतलब वो प्रिंसिपल रिटायर हुई थी, तो वो एक घर में एक माहौल था। तो जब ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई क्रोडीमल कॉलेज से 2020 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके तुरंत बाद जो है घर में हुआ कि अब कौन सा कोर्स करें आगे। तो मैं मास्टर्स के लिए, किसी ने कहा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, मेरे फादर थे कि प्रोफेशनल कोर्स करो, तो हमने डाइट में एडमिशन ले लिया था। बट मैं अपने आप को KMC से आने के बाद एक डाइट के एनवायरमेंट, क्योंकि वहाँ पर बड़ा ही एक स्ट्रिक्ट टाइप का एनवायरमेंट होता है, प्लस आपको एक मतलब अलग बिल्कुल था वो, तो मैं अपने आप को ईजी नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड के एग्ज़ाम, मैंने मुझे पता चला, मैंने उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, एंड फॉर्चुनेटली मेरी अच्छी रैंक के साथ मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ, और CIE में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला, और वहाँ के इतने जो ब्लेस्ड टीचर्स हैं, इतने जो इतने अच्छे टीचर्स हैं, उनसे मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं बोलूँगा बीएड आपने CIE से किया, क्रोडीमल से आपने ग्रेजुएशन की थी, बीए हिस्ट्री ऑनर्स की थी, एंड फिर उसके बाद जैसे ही मेरी ये कंप्लीट हुई, तो जो आपका अपीयरिंग में ही आपने सीटेट क्लियर कर लिया था 2020 वाला, जो 21 में हुआ था बेसिकली, जनवरी 21 दिसंबर का जो था, हाँ बिल्कुल वो मैंने दिसंबर 20 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई मैं कुछ नहीं अलंकार लगा रहा, 110% मैम का ही था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का ऐसा माहौल चल रहा था कि हमारी क्लासेस भी डिस्टर्ब हो गई थी। हमारे CIE में तो मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कोचिंग वगैरह से, मैं हाँ, सही बात है, हमारे प्रोफेसर इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि हमें क्लियर रहता मामला, बट कोविड के कारण क्लासेस डिस्टर्ब हुई, हम लोगों का फोकस उतना नहीं था, घर में सब बीमार हो रहे थे, बाहर बीमार थे उस टाइम पर। रियलिटी ये है कि हिमाचल में हमका जो मैराथन सेशंस थे, जो इनकी प्लेलिस्ट पुरानी थी जिसमें मैम का फेस नहीं है, हाँ, जिसमें आपने बैकग्राउंड में किया हुआ है, वो जो 40 क्लासेस की PPT वाली है वो दी बेस्ट। मैंने उसी को ही मतलब, और मेरे को किसी ने नहीं कहा आपका पढ़ने के लिए, मैंने YouTube पे सर्च किया कि मुझे पेडागोजी CDP पढ़ना है, और मैंने टाइप किया प्लेलिस्ट, उसमें कई आया, मैंने 3-4 का देखा जो मुझे अंदर से लगा कि हाँ ये बेटर लग रहा है।
तो बेटर क्या मतलब जो मैं कनेक्ट बिठा पाया. हाँ, सही बात. एवरीबॉडी इज इक्वली यू नो. तो वहां से आपके साथ मतलब कह लो पढ़ना, मैं आपका शिष्य बन गया ऑनलाइन. अरे ये बहुत हम्बल है मैंने. बताइए. फिर सीटेट का एग्जाम दिया, वही चैलेंजेस काफी थे घर में. फिर उसके बाद हमने सीटेट का एग्जाम दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए और 113 मेरे पहले पेपर में थे, 119 मेरे सेकंड पेपर में आए और सीडीपी में 26 out of 30 थे. ठीक है, सब आपकी बदौलत. अरे धन्यवाद. तो ये रहा आपका सीटेट की जर्नी. फिर उसके बाद आपने एनवीएस की तैयारी की, मतलब वो एग्जाम आ गया था सामने. बिल्कुल, बिल्कुल. और इसमें कितने नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह आप बताइए थोड़ा सा. जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हमारी बीएड कंप्लीट हुई थी जी, तो ये फर्स्ट पेपर था जो आया था गवर्नमेंट जॉब एनवीएस का. तो हम सब ने, हमारा मन था पेपर देने का. इसमें हमने फिर पैटर्न मैंने जब देखा तो मुझे पता लगा 150 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, जिसमें से 130 से मेरिट बनता है. ठीक है, मतलब सॉरी 120 से मेरिट बनता है. ठीक है, तो 30 नंबर लैंग्वेज सेक्शन क्वालिफाइंग था. 15+15 हिंदी इंग्लिश जी, मतलब हमारे लिए जिनकी जो लैंग्वेज है मदर टंग उसमें. बिल्कुल ठीक बात है, क्वालिफाइंग था. ठीक है, सॉरी. तो इसमें विनायक बता रहे हैं कि 150 नंबर का पेपर था, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 हम उसमें लगा लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी रही और 120 नंबर से मेरिट बनेगी. 30 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, जिसके पास भी जो लैंग्वेज है वो 30 नंबर में से क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आते हैं. क्वालिफाइंग का कितना क्राइटेरिया था, कितने मार्क्स मिनिमम? आई गेस 66% थे, मतलब 10 में हमें 66% मिल गए. ठीक है, मतलब थोड़ा याद नहीं पर देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो तो क्वालिफाइंग का जो भी क्राइटेरिया रहा वो तो इजीली हो गया था, वो इजीली हो जाता है. उसके बाद वो 120 में कौन से सब्जेक्ट थे? 120 में 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का हमारा वो रहता है सब्जेक्ट. ठीक है, जो आपका SST है. बिल्कुल, SST सोशल साइंसेस. तो 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट हो गया SST. ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स का हमारा CDP. ठीक है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर. ठीक है, 10 मार्क्स का रीजनिंग. ठीक है, एंड 10 मार्क्स का हमारा GS. ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज कह सकते हैं. ठीक बात है, वो था. तो ये आपके सब्जेक्ट्स रहे. तो आपके सब्जेक्ट की वेटेज यहाँ पे ज्यादा है. बिल्कुल मैम. और वो आप फिर बताइए एक बार, इसके लिए आपने ना कोई कोर्स लिया उस टाइम पे, बाद में आपने केंद्रीय विद्यालय वाले कोर्स में एनरोल किया, तब तक तो आपका पेपर हो चुका. बिल्कुल मैम, बिल्कुल है ना, करियर में जुड़े हुए थे बनाया. लेकिन वो केवीएस के कोर्स में, केवीएस के कोर्स के लिए था और वो बाद में आया. बाद में लेकिन अभी केवीएस का भी इंटरव्यू दे चुके हैं विनायक और उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो में इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जी. बताइए. लेकिन इतना है कि एनवीएस क्या आज तक आपके साथ ही मतलब लगातार रहा है पढ़ाई का, सीडीपी के लिए और साइकोलॉजी के लिए, पेडागोजी के लिए? तो एनवीएस में भी मुझे हेल्प ये रही थी कि मैंने आप ही के ही लेक्चर्स को, जो मैराथन सेशंस हैं, क्योंकि हमें एनवीएस में ना डिफाइंड नहीं था ज्यादा कि हमें क्या पढ़ना है और 10 मार्क्स में बहुत लिमिटेड पढ़ना होगा. बिल्कुल सही बात है. हाँ, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते. बिल्कुल. हाँ, तो मैंने आपके मैराथन सेशंस ही 2-3 बार देखे थे. ठीक है, उससे मेरी डिवीजन हो गई थी. सीटेट पहले दिया था उसी साल, सही बात है, माइंड में था, बीएड में भी पढ़ा है और बीएड में भी पढ़ा था. सही बात है. बाकी सब्जेक्ट के लिए आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटीज. एसएसटी के लिए कितने से कितने क्लास की वो बताइए. SST के लिए बिकॉज आप TGT के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 6-10 तो मस्ट है. बिल्कुल सही बात. आप आपको उन्हीं क्लासेस को आपको पढ़ाना है 6-10, लेकिन आपको 6-10 तक के लिए लिमिटेड नहीं रहना है. राइट. 11-12 की फॉर SST, अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, 11th एंड 12th की SST बहुत सॉरी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपकी हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी, ये दो NCERTs बहुत मस्ट हैं. पॉलिटिकल साइंस फिर भी आपको, अगर आपने बाकी चीज़ें देखी हैं तो आपका हो जाएगा, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 11-12. देन जब आपने NCERT 6-10 की कर ली, आपने 11-12 की कर ली, तो अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपके 80 में से 70+ आए, जैसे मेरे आए. अच्छा, हाँ, मेरे 80 में से अराउंड 71 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा, 69 70 71 कुछ ऐसे ही है. तो अभी फाइनल आंसर की एक बार देखना है. ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना है. उन एक्स्ट्रा बुक्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो हमारे, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना बीएड किया था, तो उसमें हमारा जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम था उसमें मेरे को केवीएस शालीमार बाग मिला था. वहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट टीचर थी प्रियंका मैम जी, प्रियंका शर्मा मैम जी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था. उन्होंने मुझे बताया कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए पॉलिटी के लिए. अच्छा, वही जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं लोग. यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, स्टेट पीसीएस, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, लॉ के लिए भी. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और बिलीव मी, मैंने लक्ष्मीकांत को कई बार पढ़ा है. हाँ, और काफी हेल्पफुल है. अच्छा, टीचिंग एग्जाम में फिर वो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से कर जाते हैं, आपका पॉलिटी वाला पार्ट क्लियर रहता है. ठीक बात है. देन आपको हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, अगेन ये भी स्टेट यूपीएससी एसएससी वाले पढ़ते हैं, बट मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से आपको ये रहेगा कि ना वो बहुत पॉइंट वाइज उसमें दिया हुआ है.
क्योंकि आप एसएसटी सब्जेक्ट है भाई, आप प्राइमरी लेवल के लिए नहीं जा रहे हो, यहाँ पे एसएसटी है, तो वो अगर डीप में नॉलेज ले लोगे उससे कोई नुकसान नहीं है. एग्जैक्टली. एंड मैम ये भी है कि तो ये हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी बता दिया आपने, रिटन एग्जाम कर भी लिया जी, तो वो इंटरव्यू में आपको ना खंगाल लेंगे आपको अच्छे से. सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं आजकल, तो आजकल इतनी सब्जेक्ट नॉलेज है उसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते. जैसे मेरे से अभी आगे बात करेंगे, क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो बहुत आपने जब तक ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ा है वो आपको नहीं आपका आंसर दे सकते. इवन कई मेरे मेट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चंस पूछे गए. समझ गए, ठीक है. तो ये आपने पढ़ लिया स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत हो गया. एनसीईआरटीज पहले ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है कि 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज इनफ है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डिटेल्ड है. ठीक बात है. देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए कई सारे वैरिड सोर्सेज हैं. संजीव वर्मा पढ़ी जा सकती है. अच्छा. बट मुझे लगता है कि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, खासकर 11th की एनसीईआरटी, टीजीटी लेवल के लिए इनफ है, ठीक है. और उसके अलावा अगर आप यूट्यूब से कहीं अच्छे, आप कहीं कोचिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट यूट्यूब से आप अच्छे लेक्चर्स देख लें, वो भी तो एसएसटी के लिए. मतलब समरीज एनसीईआरटी की या क्या, क्या रिकमेंड, आपने क्या देखा वो बता सकते हो यूट्यूब के लिए? तो मैम मैंने YouTube पे एक तो फिर करंट अफेयर का सेक्शन और SST, इसको मैंने साथ लेके चला था. अच्छा. तो करंट अफेयर कितने मार्क्स का था उसमें? 10 मार्क्स का था. हाँ जी, 80 तो, में से 10 नंबर करंट, मतलब वो GS और करंट अफेयर मिक्स था, मिक्स था. तो उसमें अराउंड 5-6 क्वेश्चंस करंट के थे, 5-6 ऐसे थे, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं विनायक, तो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं कुछ कुछ, और कितना आपका स्कोर हुआ था इसमें से? 120 आउट ऑफ मेरा 120 में से जो है 78-79 है. अच्छा, और मेरिट कितने पर गई थी? मैम ये तो NBS में नहीं कट ऑफ पता. अच्छा, पता ही नहीं लगा हमें. डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आई है. ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर उत्सुक होंगे. तो 79 के अराउंड आपके मार्क्स थे. लिस्ट आई थी उसमें डायरेक्ट, मतलब लिस्ट था कि इंटरव्यू. पहला ही नाम आपका है उसमें, बहुत बढ़िया. तो ओवरऑल मतलब ये तो अब आपका सब कुछ पास करके रैंक बना. लास्ट टाइम तक जो रिटर्न होता था उसकी, उसमें भी रैंकिंग लगती थी. इस बार उन्होंने ऐसे नहीं किया, रैंकिंग नहीं थी. मेरा 52 नंबर पे था. ओके. लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता लगा, अपने फ्रेंड से बात करेंगे, मेरे जितने मार्क्स थे रिटर्न में वो हाईएस्ट ही थे. अच्छा. तो मेरे से ज्यादा नंबर मेरे को किसी के पता नहीं लगे. पता नहीं लगे. ओके. तो और ये तो फाइनल में ठीक है. तो ये 79 मार्क्स थे आपके आउट ऑफ 120 जी. और इसके अलावा फिर जो आप जीएस वाला पार्ट आपने इसी में इंक्लूड करके बता दिया जो 10 नंबर का आता है, और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट लैंग्वेज के लिए मैंने, क्योंकि सीटेट का था तो आपके वीडियो देखा था, ठीक है, और साथ में मेरी हिंदी और इंग्लिश ना अपने आप नेचुरली अच्छी है. तो उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी. कोई भी एक बेसिक किताब ली होगी? मैंने कोई किताब भी नहीं ली, नहीं ली, प्रैक्टिस कर लिया होंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वीडियो जरूर देखे. मैं उस पे आ रहा हूँ. अच्छा. हाँ. लेकिन जो लैंग्वेज है उसके लिए मैंने कुछ वीडियो जरूर देखे थे. वो बहुत सारे सोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक है, ये है, कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग. मतलब लैंग्वेज तो कर भी लेता है इंसान, वो उनके आप लेक्चर्स देख लो, ठीक है, वोकैबुलरी वगैरह, अदरवाइज कोई इंटरनेट पे आप देख सकते हो. हाँ जी, ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका कोई और सेक्शन इसमें हम मिस तो नहीं कर रहे हैं अभी? हमने रीजनिंग का था. रीजनिंग, हाँ. रीजनिंग के अंदर भी मैं नेचुरली अच्छा था, बट मैं मैथ्स में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ. अच्छा, ठीक है. एसएसटी से हैं. हाँ, सही बात. तो मैथ्स के लिए थोड़ी मैंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है. राहुल सर का मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा. अच्छा, रीजनिंग नहीं, मैथ्स. मैथ्स राहुल सर, राहुल देशवाल सर. अच्छा. वो एक्चुअली ग्रुप डी रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा मैथ्स जो था काफी खराब था. तो मुझे तो उनका जो लेवल था पढ़ाने का, उसने ही बहुत फायदा दिया. ठीक है. आज मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस कर जाता हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले तक उतना अच्छा नहीं था. हाँ, तो तब तक तो आपने, क्योंकि बैचेस वगैरह में भी आप एनरोल्ड नहीं थे. ये सब आपकी सेल्फ स्टडी है, यूट्यूब है. ये राहुल सर का भी यूट्यूब चैनल, ठीक है. मेरा नहीं, मैंने कोई बैच नहीं लिया उनका. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि बैचेस में आप गए हो फिर केवीएस के टाइम पे, और इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट रहता है? रीजनिंग की हमने बात कर ली, जीएस की हमने बात कर ली, लैंग्वेज की बात कर ली, आपके सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, यही चार. सीडीपी है, सीडीपी है. सीडीपी वो भी आपने बता दिया. तो इनफैक्ट जब एनवीएस का अभी इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी, जब एनवीएस का पेपर था तो हम लोग तमिलनाडु गए थे दर्शन करने के लिए. तो उस वहां पे मम्मी बीमार हो गई, तो हमारी एक्सटेंड हो गया था ट्रिप हमारा, हॉस्पिटलाइज वगैरह सब. तो बस पेपर देने ही मैं, मतलब एक दिन पहले हम लैंड हुए हैं और एक दिन का टाइम था, नेक्स्ट डे मेरा पेपर था. तो उस एक दिन में भी मुझे और कुछ नहीं सोचा था, मैम की वीडियोस में देख रहा था और एक दो मैंने वो लेक्चर्स मैंने मैराथन डाउनलोड किए थे प्लेन में, मैं देखते हुए, बस प्लेन के अंदर मैं देखते हुए आ रहा था उस टाइम पर भी. नाइस यार. तो ये विनायक की
बहुत बढ़िया वाली मेहनत है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में रैंक वन लाना उसमें व्यक्ति की खुद की बहुत बड़ी मेहनत होती ही है, इवन क्लियर भी करना और डायरेक्शन थोड़ी बहुत मिल जाए तो और अच्छा रहता है। अच्छा विनायक, इसमें अब बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया, आपने बता दिया कैसे कैसे आपने तैयारी की, अब जो इंटरव्यू वाला पार्ट है, कितनी वेटेज है इंटरव्यू की और आपने कितना स्कोर किया और तैयारी कैसे की? मैम इंटरव्यू का ये था लास्ट टाइम, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही थोड़ा आइडिया लग जाता था कि हमारे कितने अच्छे नंबर है, इस बार ऐसा कुछ नहीं था, ठीक बात है, इस बार मिक्स थी लिस्ट, सब इवन है उस सब, ठीक तो है। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो सीआईई के फ्रेंड्स का एक ग्रुप हमने बनाया, ठीक है, और उस ग्रुप में ये इनफैक्ट मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ रखें प्रिपरेशन में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक बात है, और आपका वो ग्रुप पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, ठीक बात है। तो हमने एक ग्रुप बनाया, हमारे 5-6 लोगों का था, उसमें हम आपस में इंटरव्यूज करते थे और हम एक बंदा देता था, बाकी 4 लोगों का पैनल हो जाता था, इस टाइप से ऐसे हमने 10-12 सेशंस हमने किए होंगे आपस ठीक में, ठीक है, ठीक है। उससे हमें बहुत फायदा हुआ, मतलब इंटरव्यू के लिए जो मॉक किया आपने वो आपस में ही गूगल मीट पे, वैसे से कोई मॉक की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम अपने में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम पूछ लेते, और डेमो की प्रैक्टिस आपने नहीं की, और डेमो की प्रैक्टिस ये थी कि हमने मन में सोचा था, घर वालों को करके मैंने दिखाया था, अच्छा, जो मैंने बोर्ड वगैरह पे ऐसे ही, घर में मेरे एक व्हाइट बोर्ड है छोटा सा, ठीक बात है भाई, टीचर हो तो घर में बोर्ड होना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है, नहीं भी है तो भी नहीं, मतलब ले आओ एक छोटा बोर्ड तो वैसे भी रख लो, क्या हाँ, अदरवाइज चौक ले आओ, घर के दरवाजे हैं उस पर कर लो, सही बात है, हाँ वो भी अच्छा आइडिया है, क्रिएटिविटी तो ये मैं भी बहुत बार डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि इस बार तो चलो मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम करा पाए थे केवीएस के लिए, आपके टाइम पे तो नहीं हो पाए थे, और नहीं तो मैं ये पहले भी कहती थी जब उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था कि यार कुछ भी नहीं है अगर तो अपने 4 दोस्तों को पकड़ लो, उनको करके दिखा दो एक मॉक इंटरव्यू, exactly, yes. तो ये जरूरी चीज है, उससे खुल जाते हो आप। तो फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू के लिए एक तो ये हुआ, ठीक है, दूसरा ये था कि हमने अपने टीचर से, सीआईई के टीचर से गाइडेंस ली, तो वेटेज का इसमें नहीं पता लगा कि इंटरव्यू का कितना वेटेज नहीं है, अच्छा ये क्लियर वेटेज था 80-20 का, अच्छा 80% हमारे रिटर्न के मार्क्स हैं और 20% हमारे इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक, तो एन इंटरव्यू मैटर्स अ लॉट, राइट, क्योंकि जब कट ऑफ बनती है तो वो आसपास वाले लोगों को ही लेती हैं, सही बात है, हाँ। आपके रिटर्न में 2-4 नंबर का ही फर्क होता है, ठीक, इंटरव्यू डिसाइसिव होता है, ओके नाइस, हाँ कि भाई वो तो कट ऑफ में तो लगभग आसपास ही रहे होंगे लोग, लेकिन वो इंटरव्यू में जो बेटर कर जाएगा तो वो वहां से सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक बात। तो फिर हम अपने कॉलेज गए, हमने अपने प्रोफेसर से, हमारी नमिता रंगनाथन मैम है, बहुत सीनियर टीचर है सीआई की, उनसे हमने गाइडेंस ली, सुभाष सर से गाइडेंस ली, तो उन्होंने हमें गाइडेंस दी, देन उसके बाद हमने आपस में प्रैक्टिस करते रहे, घर में भी प्रिपरेशन करी इंटरव्यू के लिए, मैंने 6 चैप्टर्स दोनों केवीएस के टाइम भी, एनवीएस के टाइम भी, अच्छा 6 चैप्टर्स क्लास 6-10 के डिसाइड कर लिए थे कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इकोनॉमी 19th का, ठीक है, ठीक है ना, मैंने पालमपुर विलेज वाला चैप्टर जो था डिसाइड किया था इकोनॉमी के लिए, अगर आया ज्योग्राफी के लिए मैंने इंडिया साइज एंड लोकेशन किया था, हिस्ट्री के लिए मैंने क्या नाम था उसका, ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स और हड़प्पा, ठीक है, ये किया था, और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने इलेक्शंस ये वाला टॉपिक किया था, जुडिशरी वाला, ठीक है, और इलेक्शंस वाला, ठीक है, तो इनकी मैंने एक माइंड सेट अपना बना लिया था, पॉइंट्स लिख लिए थे, फिर इसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए और प्रिपरेशन क्या की, चलो मैं पहले आधा डिवाइड कर देता हूँ, एक टीचिंग का, ठीक है, और एक पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ, बिल्कुल ठीक, तो टीचिंग के लिए मैंने ये कर लिया, हाँ, इसके बाद मैंने इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, ठीक है, वीडियो से इधर से उधर से, हाँ, और वो उनको थोड़ा सा देख रहा था, ठीक है, और ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा मेजर टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैंने रखा था इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक क्रक्स है, हाँ, मतलब एक चेंज आएगा आगे, हाँ, हाँ। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी स्टेट से शुरू किया, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने दिल्ली के बारे में जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल ली, ठीक है, कि दिल्ली के जो है कब इस्टेब्लिश हुई, इसमें जो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है, जब ये एनसीटी ऑफ दिल्ली बनी है उसके बारे में, फिर यहाँ के सीएम, यहाँ के गवर्नर, इनकी इन्फॉर्मेशन सारी ले ली, यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी वो कौन है, ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली के अंदर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हैं तो कौन से हैं, क्या है, मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब अलग अलग आयामों से दिल्ली के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, किरोड़ीमल कॉलेज के बारे में पढ़ के गया, अपने सीआई के बारे में पढ़ के गया, अपने डीएवी, क्योंकि मैं डीएवी से बिलोंग करता हूँ, मैंने उसके बारे में मैंने पढ़ा, मतलब जहां जहां से भी पढ़ाई की थी, जो भी इंस्टीट्यूशन है आपका, ये तो हम भी बोलते हैं कि भाई आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको घर का नहीं पता, आप बाहर के बारे में, विदेश के बारे में क्या बात करोगे, जब देश के बारे में, और सिर्फ मैंने यहाँ का नहीं, मेरा इंटरव्यू भोपाल का था, मैंने भोपाल की हिस्ट्री, अरे मैंने भोपाल की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं उनके बारे में मैं पढ़ के गया, जो इम्पोर्टेंट जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन की हिस्ट्री में पढ़ के गया था, मुझे आज भी याद है उस दिन जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई थी, जिस दिन हमारा इंटरव्यू था, अच्छा
कुछ ऐसे था। हाँ, तो वो डे उस डे की क्या हिस्ट्री वो भी आपने दिमाग में रखा, वो मैंने दिमाग में रखा था। ठीक है ठीक है। और जब ये केवीएस वाला था इसके अंदर, तो उस दिन जो है वो आए थे, इंडिया डिस्कवर हुआ था सो कॉल्ड यूरोपियंस द्वारा। अच्छा, तो वास्को डा गामा, खैर वो छोड़ो। तो फिर उसके बाद हमने ये सब मैंने प्रिपरेशन करी अपनी, फिर पर्सनालिटी के बारे में, मैंने 7 इयर्स भरतनाट्यम सीखा है। अच्छा। अंडर गुरु श्री बालकृष्ण महाराज जी, जी। तो उनके हमारे डांसेस के बारे में, भरतनाट्यम के फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आपके हॉबीज में आ गया, ये मेरी हॉबीज, जो भी हॉबीज आप बताएंगे वहां पर, वो हॉबीज को आप मेक श्योर करके जाए कि उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब दे सकें, मजाक नहीं करेंगे। भाई आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको पता भी है या बस आपने बस लिख दिया कि हाँ ये मैंने, वो निचोड़ लेंगे, वो उनको पता लग जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, तो आपने अपनी हॉबीज के बारे में लिख दिया, मैंने हॉबीज के बारे में, फिर अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, ये मेरी ओवरऑल इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ठीक है, अब कट टू द इंटरव्यू पार्ट, कि मतलब आप वहां पहुंच गए, कैसी चीजें फिर वहां हुई, क्या उन्होंने पूछा? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डीवी में 4 to 6 hours लग गए। अच्छा, मुझे तो याद नहीं क्योंकि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था। हाँ, नहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं था। फिर मेरी, हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मार्कशीट मिलती है, उसमें वो लोग मेंशन नहीं करते हैं। अच्छा, कि आपको आपके जो ज्योग्राफी है तो उसके कौन से पेपर्स हैं, हिस्ट्री है तो उसके कौन से पेपर हैं, वो लोग कह रहे थे कि आप ये दिखाओ, उसका थोड़ा इशू था, बाकी सब ठीक था। तो सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन आपने वहां से ले लिया? वहां से सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर बनवा के जाए। पहले से इन्होंने बनवाया हुआ? मैंने बाय चांस बनवाया हुआ था, तो उसकी मेरे को हेल्प मिल गई कि भाई हमने ये सब्जेक्ट इन 3 सालों में पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा नाम आया, मैं अंदर एंटर, मैं आई वॉज वेरी स्केर्ड। उससे पहले क्या हुआ था, मुझे बाहर मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता लगा कि सब एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ज्यादातर टीचर्स या तो इलेक्शन पढ़ा रहे हैं या फिर वो लोग इंडिया साइज लोकेशन पढ़ा रहे हैं। बड़े कॉमन टॉपिक्स, मतलब कॉमन टॉपिक्स, और ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो वहां गए थे इंटरव्यू देने, ज्यादातर वही टॉपिक्स चूज कर रहे थे। मैंने लास्ट मोमेंट, मतलब अपने इंटरव्यू से जस्ट 5 मिनट्स पहले, मैंने अपना पूरा टॉपिक बदल दिया और मैंने ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स उठाया। उसकी मेरी प्रिपरेशन बहुत कम थी, मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स देखे जल्दी से जो मेरे को याद थे, जो मैंने रिवाइज करे और मैंने वो लेकर गया अंदर। जैसे ही इंटरव्यू गया, आफ्टर गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर हुआ, मेरे को बिठाया, मैं अपने उनका काइंडली इंट्रोड्यूस और सर, मेरा ज़्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग कि माय नेम इज, नेम नहीं बताया क्योंकि दे ऑलरेडी सेड कि विनायक अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर, तो मैंने अपना नाम ही बताया। ठीक है, तो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई बिलोंग टू दिस एंड दिस, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, बीएड फ्रॉम दिस। जैसे ही मैं अपने सीआई पे आया, दे स्टॉप्ड मी, आई कुड नॉट टेल माय हॉबीज एंड एवरीथिंग, जबकि मैं अपने साथ सर्टिफिकेट्स लेके गया था। ठीक है, मैं नर्सरी केजी का भी सर्टिफिकेट लेके गया था, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट मेरे लिए। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट। दो सर्टिफिकेट, तो और बाकी सर्टिफिकेट जो इंपॉर्टेंट थे आफ्टर ग्रेजुएशन। उन्होंने मेरे से सीआई के बारे में पूछा कि अपने कोई 4 टीचर के नाम बताइए, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि ये आपका कॉलेज के बारे में थोड़ा और हमें बताओ, मैंने बताया नेहरू जी ने इसकी इनॉग्रेशन की, ये सब। फिर उन्होंने मेरे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा कि करिकुलम कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो उस टाइम पे मैंने बोला कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट दैट इज इन द स्कूल इज करिकुलम, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से एनसीएफ पे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे से ओल्ड एनसीएफ पे क्वेश्चन पूछा, ओके 1986 की। फिर उन्होंने मेरे से कहा एनवीएस के बारे में बताओ, तो मैंने कहा कि जो 1986 की पॉलिसी थी राजीव गांधी वाली, तो उसमें एनवीएस का शुरू हुआ था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। ओके, दिस वाज अ बाउंसर क्वेश्चन फॉर मी। हां सही बात है, हां हां बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तब नहीं पता था एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। बट 2 मैडम थी जी, 3 सर थे, ठीक है। दे वर 3 सर वर इतने जॉली थे, वो मेरे से मजाक करने लग गए, उनको पता लग गया ना कि मेरे को नहीं आता, तो दे वर सेइंग कि अरे भाई आधा आधा इंसान और आधा शेर। तो मैंने कहा आधा शेर आधा इंसान, फिर धीरे धीरे बोले नरसिंह मम नरसिंह मम, मैंने कहा अच्छा पीवी नरसिंह मम, मेरे भी दिमाग में ये है, ठीक बात। तो इस टाइप से वो मजाक, मतलब वो माहौल इतना अच्छा बन गया था लाइट। बट जो 2 टीचर्स बैठी थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी, उनमें से एक बार बार अपना फोन देख रही थी, बीच में उठ उठ के जा रही थी, शायद वो मेरी साइकोलॉजी चेक करना चाह रही थी। फिर उन्होंने मेरे से और 2-4 क्वेश्चन और पूछे, उन्होंने मेरे को कहा आप टीचिंग करो, उन्होंने कहा आप क्या पढ़ाना चाहते हो, तो मैंने कहा मैम आप जो कहेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, बाकी मैं ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स रेडी करके आऊँ। इस बात पे दे वर वेरी हैप्पी, कहते अच्छा चलो ठीक है, कुछ नया सुनने को मिलेगा। सही, दीज वर लिटरली उनके शब्द।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप वो सुबह से बोर हो गए थे वही सुन के भाई दो चार टॉपिक लो। मेरा तो इंटरव्यू 4 बजे था शाम को, राइट। तो मैंने शुरू किया और मैंने बड़ा बड़ा पहले डेट वहाँ पे लिखी हुई थी, उस डेट को मैंने दिखाने के लिए मैंने नोटिस किया, मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है मैं मिटाऊ नहीं, मैंने अंडरलाइन किया, हाँ डेट ही तो लिखी हुई, आप भी मिटा के वही लिखोगे फिर। हाँ सही बात। टॉपिक लिखा, उस टॉपिक के बाद मैंने मैप वहाँ पर मैंने पूरा रूम अच्छे से देखा अपने आसपास कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, एनवीएस के इंटरव्यू में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पे, एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा हुआ था जिसपे आप पढ़ाते हो, ठीक है स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड टाइप का था, फिर बड़ा सा मैप लगा हुआ था, वर्ल्ड मैप था, ग्लोब पड़ी थी, बुक्स पड़ी थी, ठीक है वो सारी चीजें मैंने नोटिस करी। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप देख रहे हो आसपास, आपको जो चाहिए हमसे पूछ लो। मैंने कहा नहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैंने मैप का यूज किया, मैंने ग्लोब का यूज किया, मैंने सिल्क रूट बताना शुरू किया, मैंने और सबसे ज्यादा जरूरी हिस्ट्री मैं पढ़ाने के लिए मैंने स्टोरी बताई उनको, स्टोरी शुरू करी, नाइस स्टोरी टेलिंग। बीच में उनके मैंने हैंड रेस करवाए उनके कि मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा हैंड रेस करके आप बताइए, तो उन्होंने बताया। हाँ। मतलब मैंने उनको चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, बट आपने परमिशन नहीं ली थी और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा, वो चिल थे, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद मेरा बीच में हाथ से चौक भी छूट गया। अच्छा। तो वो बड़ा मेरे को उस टाइम से लगा कि यार ये तो गया इंटरव्यू मेरा, चौक छूट गया से। फिर कहते कोई बात नहीं बच्चे आप दूसरा ले लो, तो मैंने दूसरा ले लिया। तो फिर मैं कंटिन्यू करा, मैंने बताई कि चंद्रगुप्त की कहानी बताई, यहाँ पे जो रूलर थे उस टाइम पर, फिर राजा हर्ष जो थे जब भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक काम करो ये कंप्यूटर ऑन करो और इस कंप्यूटर पे जो आप मैप यहाँ पे दिखा रहे हो ना डिजिटली दिखाओ। ओके, वो चेक करना चाह रहे थे आईसीटी की कितनी नॉलेज है आपको। हाँ। और मुझे लगता है कि ये और आज भी मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि शायद विनायक तेरे लिए वो ज्यादा था। सही बात है। तो मैं कॉन्फिडेंट था, मेरा यूट्यूब चैनल आपको मैंने पहले बताया था, तो उसके कारण मुझे तो वो चैनल के कारण मेरे को था कि कैसे यूज करना है। मैंने गूगल मैप्स ऑन किया बट गूगल मैप्स नहीं चल रहा था, तो वो कहते हैं कि अब वो सारे क्यूरियस थे मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, तो मैंने गूगल अर्थ खोल लिया, राइट। उनको नहीं, बाई चांस उनको इतना आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोगों को या जो थोड़ी सी पहली जनरेशन है वो गूगल अर्थ के बारे में मे बी रहा हो, वो ऐसा शो नहीं कर रहे हो या क्या है, ये भी हो सकता है कि या उतना फैमिलियर ना हो जितना आपने उसको दिखा दिया। हाँ। तो मैंने उसमें एनिमेशन करके मतलब गूगल अर्थ में 3D में प्रॉपर, हाँ 3D में मतलब एनिमेटेड रूप में उनको मैंने प्रॉपर तरीके से उनको बताया, उनको वो चीज बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने मेरे को आओ बैठो, फिर उन्होंने मेरे से कहा कि आपको इस टॉपिक में कुछ यूनिक नहीं दिख रहा, तो ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो मैंने कहा कि मैं पहले सोच रहा, मैंने कहा सर SST का टॉपिक है तो ट्रेडर्स मतलब इकोनॉमी, किंग्स मतलब पॉलिटी और पिलग्रिम्स मतलब आपकी सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा SST कहते एग्जैक्टली ऐसे बोले, कहते एग्जैक्टली कहते बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, पूरे SST को ये समराइज कर रहा है। हाँ, तो चीज़ों को कनेक्ट करना, अगर वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अपने सब्जेक्ट में या इन जनरल भी, तो आप वहाँ नहीं टैकल कर पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस फिर वहाँ दिख जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका रहा एक्सपीरियंस और इसमें आप लास्ट उन्होंने मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछा था एक बार, सॉरी मैं हाँ नहीं बताओ बताओ उन्होंने मैडम ने मेरे से कहा कि गांव में है NVS क्या करोगे। तो मैं उस टाइम मैंने मैम को ऑनेस्टली बोला, मैंने कहा कि जैसे चलेगा मैं तो कर लूंगा, मतलब जो एक्सपीरियंसेस आगे आएंगे हम देखेंगे। यू आर ओपन टू एक्सपीरियंस और जो भी, मतलब जो भी है। मैंने उस टाइम पे किसी तरीके के घुमावदार जवाब नहीं दिया, नेगेटिव कोई मतलब किसी तरह का घुमावदार जवाब नहीं है। क्या कहा आपने? मैंने उनको एग्जैक्टली उनको मैंने एग्जैक्टली कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। मैं उनको साफ बोला कि मैम आई एम ओपन टू एक्सपीरियंसेस एग्जैक्टली एंड आई विल डू माय बेस्ट व्हाटएवर विल कम। मैंने ये नहीं बोला कि NVS ये संस्था है, NVS में इसलिए आना चाहता हूं, ये है ये उतना मक्खन नहीं लगाया, नहीं लगाया, राइट। हां स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी था कि भाई मैं ओपन टू एक्सपीरियंसेस हूं और मतलब आई विल सी व्हाट विल कम एंड गवर्नमेंट जॉब है, मैंने बात बोल दी मैम गवर्नमेंट जॉब है एंड आई एम एस्पायरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब इसके लिए, ठीक एंड आई नीड अ जॉब, ठीक बात, ठीक है। तो मतलब वो जेन्युइनली आपने जो है सही तरीके से अपना इंटरव्यू किया, सच्चा रहा, मतलब सच्चा रहा, वो बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा फेक करने से जो है इशू रहता है। और इवन बहुत ज्यादा क्या, मतलब मेरा तो मानना ये है कि आप कोशिश कीजिए पर्सनालिटी भी वैसी ही आप डेवलप कर लें, तो आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखना पड़ता। आप कहते हो बी योर ओन कांस्टेंट, तो बस वही बात है। हाँ बिल्कुल, तो आप तो बने ही रहे अपने पूरी तरह से कांस्टेंट। तो ये कहानी थी और KVS वाले इंटरव्यू में आप वो लेके गए थे प्रॉपर अपना, वो आपका बहुत टीचिंग मटेरियल, वो बहुत अच्छा रहा, वो बहुत आइडिया था वो, हालांकि वो इंटरव्यूअर्स आपके ज्यादा स्ट्रिक्ट और पोकर फेस वाले थे। हां जी हां जी हां जी हां जी
वो मेरी मदर का आइडिया बहुत सही रहा, आंटी आई है, बहुत मजा आया हमें बात करके। और वो केवीएस इंटरव्यू के बारे में एक अलग से वीडियो जो उनका एक्सपीरियंस रहा उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये एनवीएस वाला कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? ये इंटरव्यू भी अराउंड 13 टू 15 मिनट्स। हाँ, तो मतलब मैक्स टू मैक्स इंटरव्यू जाते ही टीचिंग के 15 मिनट है, नहीं तो 10 मिनट के अंदर अंदर समेट लिए जाते हैं। तो इसमें क्या स्कोर रहा होगा, कुछ पता लगा है या बस ओवरऑल? नो, ओवरऑल स्कोर मेरा आ गया है। अच्छा, ओवरऑल स्कोर मेरा 70.64 आई गेस आउट ऑफ 120 का मेरिट। नहीं, ये तो आउट ऑफ 100 है। हां एग्जैक्टली, ये तो आउट ऑफ 100 क्योंकि वो 100% है ना, वो जो आपका कितना 20 और 80 का मिलाकर के फिर 100 में से 70 ओवरऑल बना है। तो रैंक वन है विनायक की, और हम मिठाई विठाई खा चुके हैं ऑलरेडी, शायद आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। ऑल द बेस्ट यार। अरे बिल्कुल यार, है ना। और बहुत अच्छा लगा मिलकर के अब विनायक से, बहुत ही टैलेंटेड भी है विनायक, कई सारी चीजें उन्होंने की हुई। मैम के आपको मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैम के बगैर ये जर्नी जो है बहुत डिफिकल्ट रहती। और साथ में ना एक बात है कि डीमोटिवेशन जब भी होती थी या कुछ भी ऐसे लगता है, हम सबकी लाइफ में डीमोटिवेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है। मैंने कई एग्जाम फेल किए हैं, बात मैं आपको पहले ही बता रहा था, एसएससी के एग्जाम फेल किए मैंने, आईएएस आईसीआर का एग्जाम फेल किया, बैंकिंग के एग्जाम फेल किए। मैं उसको फेल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई कुड नॉट क्लियर इट। वैसे विनायक 24 साल के हैं, इतना फेलियर हुआ नहीं है इनका जीवन में, इन्होंने जल्दी शुरू कर दी थी चीजें, ये अवेयर ज्यादा थे और बहुत बढ़िया। तो इतने सारे एग्जाम्स के बाद तो समय पे कोचिंग ली थी आपने? आप ही सेल्फ स्टडी? सब सेल्फ स्टडी। अरे बहुत बढ़िया, अभी तक मतलब पहली नौकरी इन्होंने अपनी जो है वो सेल्फ स्टडी से ले ली है। अब उसको आप सेल्फ स्टडी कह लो या ये इतने हम्बल है कि आजकल में लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करते हैं, भरपूर यूट्यूब चैनल्स देखते हैं ना, तो उनके बारे में वो कहीं कुछ बात करना चाहते हैं फिर वो अंत में आके कहते हैं कि हमने तो सेल्फ स्टडी की थी, जबकि वो अपने आप में एक गाइडेंस है, एक हेल्प है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे विनायक की, पूरी प्रिपरेशन के दौरान जहां से जो गाइडेंस, जैसे मैंने बताया प्रियंका मैम, ये कृतज्ञता बोलते हैं उसको, ये सब में नहीं होती। हाँ, अपने जो भी टीचर है आपके, जो भी गुरु आपके हैं, यहाँ हिमांशी मैम है या मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे आप जितना ज्यादा आप कह लो कि आप ले सको, बिल्कुल वो आपको उतना फायदा देगा। एंड वन मोर थिंग, एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ ये जॉब चाहिए या ये हमें करना है, तो फिर किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है भाई, आप अपने लिए अकाउंटेबल हो ना? अपने को मतलब आप ये रखो कि जब हम देखें मिरर में, देन वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। बिल्कुल, कि यार एटलीस्ट मेहनती तो हूँ भाई मैं, इस बात का भी तो मुझे तो लगता है ये भी एक बहुत बड़ा अपने लिए एक सर्टिफिकेट जैसा होना चाहिए कि आप मेहनती व्यक्ति हैं। और मेहनती व्यक्ति मतलब सिर्फ आंख बंद करके नहीं, आप डायरेक्शन दे देते हैं। सब मेरे लिए रैंक वन कोई मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, भाई पता भी नहीं होता, मुझे तो ये नहीं पता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे हो चुके हैं। सही बात है, और उसमें भी मेरिट का पता लगा नहीं है कुछ। बिल्कुल, तो मैं तो कब मेरे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं अभी यही बात कर रही थी विनायक और हम लोग बात कर रहे थे, विनायक कुछ कह रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी कि माय फादर यूज्ड टू से कि बेटा अच्छा समय आते हुए देर नहीं लगती। जनरली हम क्या सोचते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है कि यार बुरा समय आते हुए देर नहीं लगती, तो वो एक डिफरेंट चीज हो गई। बट अच्छे समय में भी बात वही है कि आप एफर्ट करते जाइए, एक दिन अचानक से, कल तक बेरोजगारी थी, कोई नौकरी नहीं थी अगर देखा जाए, और एकदम से रैंक वन नेक्स्ट डे, और रिजल्ट आता है एकदम अच्छा लग रहा है, आज हम मिठाई खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की, अच्छा और बुरा समय भी ना मिक्स चलता है। हाँ, वो किसी एक एस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है, दूसरे एस्पेक्ट में कहीं और समस्या होगी। एक वो अग्रवाल जी का बड़ा अच्छा भजन है। अच्छा, कहते ना कि आजा आजा रे कन्हाई तेरी अच्छा। याद आई, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है, मेरे को लाइफ में बहुत याद आती है ये, मैं एंड में बोलूंगा। उसमें वो कहते हैं कि जब बहुत बुरा चल रहा हो तो कुछ ऐसा अच्छा दे दियो कि वो बुरा पार हो जाए, और जब बहुत अच्छा चल रहा हो एंकर बन जाता है तो कुछ ऐसा जरूर मेरे को जरा सी कर दियो, स्पीड ब्रेकर दे दियो कि मेरे को अपनी रियलिटी याद रहे, रियलिटी में भी रहूं। बहुत बढ़िया यार, बहुत 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 ही अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला, कि बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। तो ये सब के लिए आपको अपनी मोटिवेशन या जगह खुद ढूंढनी पड़ती है। वो कहीं वो तिनका जो बोलते हैं कि वो तिनका अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, या आपको किसी की कोई एक लाइन भी दिमाग में रह जाए, इसी को मोटिवेशन हम बोलते हैं। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन सब्जेक्ट से आपकी पढ़ाई से ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, हवा में कैसे आ जाएगा? आज अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं के नहीं। अगर मेरे को हिस्ट्री से प्यार, लिटरली मैं हिस्ट्री को बिना सब्जेक्ट कैसे क्लियर करोगे? तभी मैं अपने चैनल पे भी वीडियोस हिस्ट्री से रिलेटेड डालता रहा, और बाकी अपने ग्रेजुएशन के टाइम में भी। आपको अपना सब्जेक्ट बहुत क्लियर रखना। बिल्कुल सही बात है, बस तो सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहे विनायक। और अपनी इनकी पर्सनालिटी वैसे है भी शांत पर्सनालिटी के हैं और जेन्युइन हैं एकदम, तो वही चीज उन्होंने इंटरव्यू में भी पोर्ट्रे की। ऐसा नहीं था कि कुछ अलग हैं और कुछ अलग पोर्ट्रे कर रहे हैं, उस चीज़ में बहुत दुविधा होती है। कई बार इंटरव्यूज़ में प्रेपरेशन करा दी जाती है, होती हैं चीज़ें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोल लेना, ये कर लेना, बट मेरी नज़र में बेस्ट वही है कि जब आप वो पर्सनैलिटी अपनी जेन्युइन ही वैसी बना लें कि आपको कुछ और बनने की जरूरत ना पड़े वहाँ जाके।
तो चलिए खैर फिर भी, लेकिन एक प्रैक्टिकल आंसर जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही आदर्शवादी या फिर मतलब आदर्शवादी सोच में प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वो प्रैक्टिकल भी हो। जब आपसे कोई रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछी जा रही है स्कूल के बारे में, तो आप प्रैक्टिकल आंसर दें, वो बताएं जो काम करता हो, काम करता हो एग्जैक्टली। मतलब वो प्रैग्मेटिक अप्रोच थोड़ी सी होनी चाहिए। आपको कहते हैं ना कि आपको इच्छा अच्छी रखनी है, लेकिन काम वही करना है। आइडियलिज्म हमारा गोल हो सकता है या मतलब हमारे दिमाग में हो सकता है, लेकिन आज के लिए हमें प्रैग्मेटिक होके भी चलना। अरे लोग, मैं भी स्टार्टिंग में मैंने बड़ी गलती करी है। लोग कहते हैं हमने ये टाइम टेबल बना लिया, इतने घंटे ये करेंगे, इतने घंटे करेंगे, इतने घंटे, नहीं फॉलो होता यार। कितने घंटे पढ़ते थे आप वैसे? हम बता दूंगा तो फिर सब कहेंगे झूठ बोल रहा हूं। मतलब कितना पढ़ते ही रहते थे? नहीं, ऐसा है कि जब एग्जाम दूर है तो 5-6 आवर्स, और एग्जाम पास है तो फिर तो 12 घंटे भी। कितने पास पे? 1 मंथ। लास्ट ये तो होना भी चाहिए यार, क्योंकि शुरू लास्ट वाला जो 1 मंथ है वो पूरा आपका कंसोलिडेट 10-12 आवर्स इतना खिंच जाता था। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये चश्मा भी आपको बता ही रहा है, आपने खुद ही बताया नंबर बढ़ गया था। मैं खुद से मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बता चुके हैं ये बातें। अपनी बुराइयां भी ट्रॉफी बन जाए, बताओ ऐसा ऐसा मुकाम। सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज के लिए इतना ही। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी विनायक को, और इन्हीं को नहीं सिर्फ पूरा परिवार जिन्होंने मेहनत की है। आंटी ने शांति मेरी मम्मी के कारण, मेरी बहन के कारण, क्योंकि मैं तो कुछ कहता हूँ मेरे से कुछ नहीं हो सकता था। रियल इंस्पिरेशन बिहाइंड माय मदर एंड माय सिस्टर, कंप्लीटली कंप्लीटली मेरे फादर की गाइडेंस है और उनका कह लो सपोर्ट है, बट मेरी माँ और मेरी बहन का जो, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मतलब हम अच्छे समय में ग्रेटिट्यूड भी रखें, ग्रेटफुल भी रहें, ये बात हम विनायक से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, और कृतज्ञ रहें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका कोई भी और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई और डाउट हमें ऐसा रहेगा तो हम बिल्कुल विनायक से आपकी बात करा देंगे। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।